हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, आज ये वीडियो के अंदर आपको देखूंगा और आपको समझाने के लिए मैं कोशिश करूंगा कि सीआरटी टीवी के अंदर कलर प्रॉब्लम आसानी से रिपेयर कैसे किया जाता है। हो सकता है रेड कलर प्रॉब्लम, ग्रीन कलर प्रॉब्लम, ब्लू कलर प्रॉब्लम, हो सकता है कलर प्रॉब्लम का ऊपर पिक्चर हल्का आ रहा है और पिक्चर कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो इसी तरह अलग अलग प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो पूरा डिटेल्स आपको वीडियो के अंदर बताऊँगा। और दोस्तों, ब्लैक एंड वाइट प्रॉब्लम जो होता है उसका रीजन थोड़ा अलग है, इसका ऊपर भी थोड़ा मैं डिस्कस करने के लिए कोशिश करूंगा ये वीडियो के अंदर। इसीलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा मेनली न्यू टेक्नीशियन को, तो इसीलिए वीडियो शुरू से लास्ट तक वॉच कीजिए। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो के अंदर आपको सीआरटी टीवी का जो कलर प्रॉब्लम होता है, रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, इस तरह जो अलग अलग कलर देखा जाता है और जो अलग अलग कलर प्रॉब्लम देखा जाता है उसका ऊपर आपको डिटेल्स क्लियर करने के लिए मैं कोशिश करूँगा। फर्स्ट आपको जो दिखाना चाहता हूँ कि मेन पीसीबी, कुछ भी पीसीबी हो सकता है, वो पीसीबी का जो मेन प्रोसेसर आईसी होता है, तो वो प्रोसेसर आईसी से तीनों कलर आउटपुट होता है। मान लो ये एक बड़ा वाला प्रोसेसर आईसी है, चीप प्रोसेसर आईसी भी हो सकता है, कुछ भी आईसी हो सकता है। मेन प्रोसेसर आईसी भी बता सकते हो, जंगल आईसी भी बता सकते हो, जिसका वो टोटल सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो वो मेन प्रोसेसर आईसी से तीनों कलर सिग्नल का साथ जो वीडियो वो आउटपुट होता है, ठीक है। मान लो ये जो चाइना पीसीबी है, ये चाइना पीसीबी का अंदर देखिए यहाँ पर जो पॉइंट है, ये जैक लगाने का जो पॉइंट है, यह से एक वायर बेसबोर्ड का अंदर जाता है। तो दोस्तों, ये अलग सा एक बेसबोर्ड है, आप देख सकते हो। ये बेसबोर्ड के अंदर ये जो जैक है, ये पोजिशन में ये लगता है, ठीक है। और यह से तीनों कलर आउटपुट होता है जो ये बेसबोर्ड का अंदर जाता है। और दोस्तों, ये जो तीनों वायर है, ये वायर का अंदर ये ईएसटी का पास ये कनेक्शन रहता है। यह से फिलामेंट को ऑन होने के लिए, मतलब फिलामेंट जलने के लिए फिलामेंट सप्लाई जाता है। और एक नेगेटिव होता है और दोस्तों एक 180 वोल्ट होता है। तो आपको पूरा डिटेल्स क्लियर करूँगा ये वीडियो के अंदर। मेनली कलर प्रॉब्लम जब आएगा किस तरह आपको चेक करना पड़ेगा, किस तरह आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन पोजीशन का वो फॉल्ट है, ठीक है। तो मैं एक ही वीडियो के अंदर आपको नॉर्मल तरीका से बताऊंगा जो आप रिपेयर करने का आसान हो जाएगा, जिस तरीका आप यूज़ करेगा। तो इसी तरीका आपको वीडियो के अंदर देखूंगा, बट प्रैक्टिकल नहीं है, आपको थोड़ा समझने के लिए कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आपको क्या बताया, मेन प्रोसेसर आईसी हो सकता है, सिस्टम आईसी भी बता सकते हो, जंगल आईसी भी बता सकते हो। इसी तरह आईसी का अंदर से तीनों कलर सिग्नल, मतलब रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक है, ये तीनों कलर सिग्नल का साथ जो वीडियो वो आउटपुट होता है। और वो किस तरह पिक्चर ट्यूब के अंदर जाता है, तो देखिए ये जो तीनों पिन है, देखिए 1 2 3, यहाँ से देखिए तीनों रेजिस्टेंस देखा जाता है। तो दोस्तों, ये तीनों रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम ही होता है, ठीक है, तीनों रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम ही होता है। और ये तीनों देखिए 1 2 3, ये मिडिल 3 पिन पर इसका कनेक्शन है। अलग अलग पीसीबी होगा तो इसी तरह भी कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो कौन सा रेड, कौन सा ग्रीन, कौन सा ब्लू, ये आईसी का डाटा शीट चेक करने के बाद आपको पता चल जाएगा। बट आपको नॉर्मल तरीका से बताना चाहता हूँ, कुछ भी कलर प्रॉब्लम हो सकता है, उसका चेक करने का तरीका क्या है ये भी आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर करूँगा, ठीक है। बट आपको ये वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना पड़ेगा, कुछ भी पोजीशन आप स्किप करेगा तो बहुत कुछ मिस कर सकते हो। और आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि सर ये कलर फॉल्ट है, वो कलर फॉल्ट है, कैसे मैं रिपेयर करूँगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिए, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, चलिए ये जो जैक पॉइंट है, ये जैक पॉइंट का जो कनेक्शन है, इसका अंदर 5 पॉइंट है। एक पॉइंट का अंदर आईके वोल्ट आता है, ठीक है, आईके वोल्ट चाइना पीसीबी का अंदर 8 वोल्ट और 9 वोल्ट का आसपास होता है। बैंडेड पीसीबी का अंदर 9 वोल्ट 8 वोल्ट का आसपास भी होता है। और बहुत बैंडेड पीसीबी का अंदर ये जो आईके वोल्ट, ये आईसी से आता है। चाइना पीसीबी का ये आईके वोल्ट, ये जो रेगुलेटर ट्रांजिस्टर होता है जो 8 वोल्ट आउटपुट देता है, यह से आता है, ठीक है। तो ये वोल्ट मिसिंग हो जाएगा तो क्या होगा, तो दोस्तों ये वोल्ट मिसिंग हो जाएगा तब भी पिक्चर आएगा, बट पिक्चर का क्वालिटी जितना अच्छा होना चाहिए वो नहीं होगा, जिसका ऊपर मैं प्रैक्टिकल एक वीडियो बना के देखा है तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल के अंदर, ठीक है। और दोस्तों, ये जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव पिक्चर ट्यूब का बेसबोर्ड पर जाता है, ठीक है। ये नेगेटिव मिसिंग हो जाएगा तो पिक्चर का क्वालिटी तब भी क्लियर नहीं आएगा। बार दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ कि ये पोजीशन से एक नेगेटिव बेसबोर्ड पर जाता है, तो मन में लगेगा कि यहाँ पर तो नेगेटिव कनेक्शन है, बट यहाँ पर तो नेगेटिव कनेक्शन है, कुछ भी एक नेगेटिव मिसिंग हो जाएगा तो प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, बट चाइना पीसीबी का अंदर होता है। ये भी आपको क्लियर करूँगा, इसीलिए आप वीडियो लास्ट तक वॉच कीजिए। और ये जो तीनों कलर सिग्नल, ये तीनों रेजिस्टेंस जो देखा जाता है, तीनों रेजिस्टेंस से जो बेसबोर्ड का अंदर जाता है। चलिए मैं एक प्रॉब्लम के बारे में आपको क्लियर करूँगा। कि देखिए ये तीनों रेजिस्टेंस का ये जो आउटपुट पॉइंट है यहाँ पर लगभग सेम वोल्ट देखने को मिलता है, बट बहुत पीसीबी का अंदर जो ब्लू कलर सिग्नल होता है वो वोल्टेज थोड़ा हाई देखा जाता है। मान लो सभी पिन का अंदर दो पिन का अंदर 2 वोल्ट करके मिल रहा है और एक पिन का अंदर 2.5 वोल्ट भी हो सकता है, 3 वोल्ट भी हो सकता है। तो दोस्तों वो ब्लू कलर सिग्नल का पिन होता है, ठीक है, ये सेट कर लीजिए दिमाग में। बट बहुत पीसीबी के अंदर सेम टू सेमी वोल्टेज देखने को मिलता है, ठीक है। ये डाउट पोजीशन फर्स्ट आपको बता दिया, और चलिए उसका बाद क्या देखना पड़ेगा। मान लो स्क्रीन के अंदर कुछ भी कलर प्रॉब्लम हो सकता है, मान लो कुछ भी एक कलर प्रॉब्लम है, तो किस तरह चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो बेसबोर्ड है, ठीक है, ये बेसबोर्ड के अंदर जितना पार्ट्स है ये सब कलर को जो आरजीबी तीनों कलर को ये जो तीनों अलग अलग ट्रांजिस्टर देखा जाता है, तीनों अलग अलग ट्रांजिस्टर एक एक कलर सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए काम करता है। इसका अंदर तो कलर सिग्नल के साथ वीडियो मौजूद है, तो दोस्तों ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये ओनली सिग्नल है। और ये सिग्नल जब ये वायर का तो बेसबोर्ड का अंदर आता है, इसका अंदर जो अलग अलग ट्रांजिस्टर देखा जाता है। तो दोस्तों ये पीसीबी के अंदर तीनों ट्रांजिस्टर तीनों कलर के लिए देखा जाता है, बट बहुत बैंडेड पीसीबी के अंदर 6 ट्रांजिस्टर देखा जाता है, जो 2-2 करके ट्रांजिस्टर एक एक कलर सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। और बहुत पीसीबी के अंदर देखा जाता है 9 ट्रांजिस्टर, मतलब उसका अंदर तीन ट्रांजिस्टर एक एक कलर सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए यूज़ होता है। बट दोस्तों और जो पीसीबी दिखा जाता है कि आईसी बेसबोर्ड, तो दोस्तों वो आईसी का अंदर ही तीनों कलर को एम्पलीफाई करने का सिस्टम है। और वो तीनों कलर को एम्पलीफाई करने के लिए जो ज़रूरत होता है कि 180 वोल्ट, जो ईएसटी का पोजीशन है, यहाँ से जो वोल्टेज यहाँ पर आता है, ठीक है, ये 100 वोल्ट यहाँ पर जब तक नहीं आएगा तो वो कलर सिग्नल एम्पलीफाई नहीं होगा। एम्पलीफाई होने के बाद बेसबोर्ड का अंदर वोल्टेज जाता है, तीनों आरजीबी सिग्नल वोल्ट जो तीनों पिन पर जाता है। तो दोस्तों आपको जो बातें है कि 180 वोल्ट ये बेसबोर्ड पर आने के बाद वो कलर सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, और उसी का साथ ये जो आई के वोल्ट होता है और जो ये 8 वोल्ट 9 वोल्ट भी हो सकता है, और ये जो मेन आई के वोल्ट, ये आई के वोल्ट भी ये ट्रांजिस्टर को रेगुलेशन करने के लिए भी काम पर आता है, ठीक है। तो चलिए ये तो वोल्टेज के बारे में, ये जो सब लाइन जो जितना बेसबोर्ड का अंदर आता है ये इसका ऊपर मैं आपको थोड़ा समझाया। मान लो कुछ भी एक कलर प्रॉब्लम है, हो सकता है रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, कुछ भी एक कलर प्रॉब्लम है, तो मान लो किस तरह आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो तरीका आपको बताता हूँ। अब देखिए कुछ भी एक कलर मान लो प्रॉब्लम है, हो सकता है रेड, हो सकता है ब्लू, हो सकता है ग्रीन, हो सकता है अलग कुछ कलर, ठीक है। तो आपको 1 मिनट तक देखना पड़ेगा कि स्क्रीन का अंदर कौन सा कलर ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो आने का बाद नॉर्मल तरीका क्या है, आप 1 मिनट ऑन करके रखिए, ऑन करने के बाद सप्लाई को स्टॉप कर दीजिए, मेन पीसीबी का सप्लाई को स्टॉप कर दीजिए। स्टॉप करने के बाद देखिए यहाँ पर जो ये मोटा मोटा रेजिस्टेंस दिखा जाता है, यहाँ पर आप टच करके देखिए, ठीक है। टच करके देखने के बाद आपको कुछ ज़रूर पता चल जाएगा कि ये कुछ भी एक रेजिस्टेंस ओवरहीट हो रहा है कि नहीं। बट दोस्तों ये तीनों रेजिस्टेंस ही हीट होता है, बट नॉर्मल हीट और ओवर हीट दोनों का फर्क आपका ज़रूर मालूम हो जाएगा कि कौन सा रेजिस्टेंस ओवर हीट हो रहा है। ये तो एक बात है, और उसका साथ आपको देखना पड़ेगा ये जो अलग अलग ट्रांजिस्टर है कौन सा ट्रांजिस्टर ओवर हीट हो रहा है। ये देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वो सेक्शन का ही फॉल्ट है, ठीक है। तो मान लो ठीक है कुछ भी एक रेजिस्टेंस ये ओवरहीट हो रहा है, मान लो ये ट्रांजिस्टर ओवरहीट हो रहा है, तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, किस तरह चेक करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट तरीका क्या होगा आपको बताता हूँ। मान लो ये रेजिस्टेंस ओवरहीट हो रहा है, आप पिक्चर से ऊपर साथ कनेक्शन करके रखा है, तो उसका बाद आपको किस तरह चेक करना पड़ेगा कि ये बेसबोर्ड का आपको पिक्चर ट्यूब से ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। ये बेसबोर्ड को पूरा पिक्चर ट्यूब से ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद ये आपको पिक्चर ट्यूब का साइड पर रखिए, और जिसका इसका जो कुछ कनेक्शन है पिक्चर ट्यूब के अंदर सभी आप रखिए, सिर्फ ये बेसबोर्ड को ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद अब जितना टाइम सप्लाई देके टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद आपको मालूम हुआ कि ये रेजिस्टेंस ओवरहीट हो रहा है, और ये बेसबोर्ड ओपन करने के बाद उतना ही टाइम आप सप्लाई देके रखिए, मान लो 1 मिनट आप सप्लाई देके देखिए। उसके बाद सप्लाई को ऑफ कीजिए, ऑफ करने के बाद दोबारा देखिए कि ये रेजिस्टेंस सेम तरह ओवरहीट हो रहा है कि नहीं, ठीक है। मान लो ये रेजिस्टेंस सेम तरह ओवरहीट हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है आपको बताऊंगा। उसका पहले आपको बताना चाहता हूँ, मान लो ये पिक्चर ट्यूब से बाहर करने के बाद ओवरहीट नहीं हो रहा है, तो मतलब आपका पिक्चर ट्यूब का जो कैथोड पिन वो शॉर्ट हो सकता है, और उसका RX जो रीजन है आपको बताना चाहता हूँ। मान लो ये एक कैथोड पिन है, ठीक है। ये कैथोड पिन का साथ अब दोस्तों देखिए ये एक पिन ये ओपन है, ठीक है। बहुत पीसीबी का अंदर ये पिन नेगेटिव का साथ इसका गैप इस तरह जो गैप देखा जाता है, तो गैप का अंदर सोल्डरिंग काट देगा तो ये नेगेटिव का साथ शॉर्ट हो जाता है। शॉर्ट होने का रीजन से ये कैथोड पिन मान लो ये भी नेगेटिव का साथ शॉर्ट हो जाएगा। जब ये नेगेटिव का साथ शॉर्ट हो जाएगा बट दोस्तों ये बाहर का अंदर ही शॉर्ट हो जाता है, पिक्चर ट्यूब का अंदर शॉर्ट नहीं होगा। तो इसी का रीजन से ये सप्लाई का जो रेजिस्टेंस है मान लो ये रेजिस्टेंस होगा तो ये रेजिस्टेंस ओवरहीट होगा और उसका साथ जो ट्रांजिस्टर है वह भी ओवरहीट होगा। तो ये इस तरह आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। मान लो कुछ भी शॉर्टिंग नहीं है, कुछ भी कनेक्शन इसका अंदर नहीं है, तो आपको आइडिया लगाना पड़ेगा पिक्चर ट्यूब का अंदर शॉर्ट है। ये एक बात हो गया, ठीक है। मान लो ये बेसबोर्ड को पिक्चर ट्यूब से बाहर काटने का बाद तब भी ये रेजिस्टेंस ओवरहीट हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा, कौन कौन पार्ट्स फॉल्ट हो सकता है, ठीक है। तो चलिए आपको बहुत सिगरेट फॉल्ट के बारे में बताऊँगा ये वीडियो के अंदर, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन, ये रेजिस्टेंस जो जिस ट्रांजिस्टर को सप्लाई देता है ये ट्रांजिस्टर खुद शॉर्ट हो जाएगा तो इसी का रीजन से ये रेजिस्टेंस ओवरहीट होता है। तो ये रेजिस्टेंस को एक बार चेक करके देखिए, मतलब चेंज करके आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। आप ओपन करके मीटर से चेक करेगा तब भी हो सकता है मीटर पर ओके दिखाएगा, तब भी आपको चेंज करके देखना पड़ेगा, ठीक है। बहुत न्यूटिग्रेशन क्या करता है कि ये चेक करके देखता है और देखने के बाद जो ओके मिलता है मीटर के अंदर वो फिर भी वो ट्रांजिस्टर लगाता है, लगाने के बाद भी वो प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक बात हो गया। और उसका बाद आपको जो बताना चाहता हूँ, मान लो ये जो अलग अलग कलर सिग्नल देखिए 1 2 3 सिग्नल ये बेसबोर्ड का अंदर जो आता है, ठीक है। ये जो बेसबोर्ड के अंदर 1 2 मिडिल 3 सिग्नल जो आता है, इसका पहले देखिए ये एक पॉइंट है जो नेगेटिव है और इधर का जो पॉइंट है ये IK वोल्ट का मतलब 8 वोल्ट यहाँ पर आता है। दोस्तों ये जो नेगेटिव है, ठीक है, ये जो नेगेटिव ये डायरेक्ट पीसीबी का नेगेटिव का साथ ये बेसबोर्ड का नेगेटिव का साथ कनेक्शन नहीं है, क्योंकि आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए इसका अंदर बीच में इधर एक देखिए जम्पर हो सकता है। देखिए सॉरी दोस्तों यहाँ पर जम्पर नहीं है, आप अच्छा करके देखिए इसका अंदर एक रेजिस्टेंस है, देखिए इसका अंदर एक रेजिस्टेंस है, ये देखिए ये 33 ओम्स का रेजिस्टेंस है। ये जो रेजिस्टेंस, ठीक है, ये 33 ओम्स का रेजिस्टेंस है। देखिए ये नेगेटिव के साथ इधर जो कनेक्शन ये 33 ओम्स का रेजिस्टेंस है और उसका बाद बीच में ये जम्पर है। आप अच्छा करके देखिए, देखिए ये वायर का नीचे एक जम्पर है, ये जो जम्पर आप देखिए। तो मतलब ये जो नेगेटिव है बीच में 33 ओम्स का रेजिस्टेंस है और उसका बाद ये जो नेगेटिव है ये चौड़ा वाला पत्ती ये नेगेटिव का साथ कनेक्शन है। मतलब ये जो नेगेटिव और ये नेगेटिव डायरेक्ट एक साथ कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस ओपन हो जाएगा तो पिक्चर का क्वालिटी क्लियरिटी नहीं आएगा, पिक्चर ट्यूब प्रॉब्लम जैसा इसी तरह कलर अधिकतर देखा जाता है, जो सभी बहुत टेक्नीशियन का ध्यान यहाँ पर नहीं जाता है, ठीक है। तो इसका भी एक रीजन आपको बता सकता हूँ इसी टाइम कि देखिए ये मिडिल जो है ये मिडिल फिलामेंट सप्लाई का और ये फिलामेंट का ये नेगेटिव है ये साइड और ये 180 वोल्ट का। तो ये जो 180 वोल्ट ये लाइन के अंदर तीनों रेजिस्टेंस का पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक एक और यहाँ से यहाँ तक एक रेजिस्टेंस। तो ये तीनों रेजिस्टेंस देखिए तीनों ट्रांजिस्टर को सप्लाई देता है। ये जो रेजिस्टेंस देखिए ये ट्रांजिस्टर को सप्लाई देता है, ठीक है। तो चलिए आपको जो बताना चाहता हूँ कि देखिए ये जो फिलामेंट सप्लाई फिलामेंट का कोई नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नहीं होता है, बट ये जो सप्लाई लाइन मान लो आप यहाँ पर कनेक्शन कर दिया, ठीक है, और ये नेगेटिव का यहाँ पर कनेक्शन कर दिया, ये जो सप्लाई फिलामेंट का अंदर जाएगा बट फिलामेंट का अंदर जाएगा तो उसी का रीजन से ये जो फिलामेंट सप्लाई इधर उधर हो जाएगा। तो मतलब ये वायर कभी कुछ भी रीजन से टूट गया और आप रॉन्ग कनेक्शन कर दिया कि ये पॉइंट को इधर कर दिया और ये पॉइंट को इधर कर दिया, करने के बाद क्या होगा कि इसका अंदर जो 33 ओम्स का जो रेजिस्टेंस है ये जल जाता है। तो ये सबका दिमाग में नहीं आएगा और इतना छोटा रेजिस्टेंस है ये क्लियर पर नहीं भी देखा जाएगा। तो जब ये रेजिस्टेंस काट जाएगा तो इसी का रीजन से पिक्चर का क्वालिटी अच्छा नहीं आएगा, पिक्चर मतलब नेगेटिव जैसा और जो पिक्चर ट्यूब खराब होने के बाद जिस तरह क्वालिटी पिक्चर आता है इसी तरह देखा जाता है। अब दिमाग में पूरा सेट करके रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉल्ट है जो बहुत टेक्नीशियन इस तरह प्रॉब्लम आएगा तो उसका दिमाग बिगड़ जाएगा। सब कुछ वोल्टेज सभी जगह पर मिलेगा बट प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना बहुत टफ हो जाएगा, ठीक है। ये एक बात हो गया। तो चलिए जो बताते बताते मैं भूल गया कि देखिए मान लो ये रेजिस्टेंस ओवरहीट हो रहा है, इसका और जो रीजन है आपको ट्रांजिस्टर के बारे में बताया। और आपको जो बताना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पर जो तीनों सिग्नल आता है, ठीक है, ये जो तीनों सिग्नल आता है आपको चेक करना पड़ेगा कि देखिए ये जो तीनों सिग्नल यहाँ से जा रहा है, ठीक है, यहाँ से जा रहा है, आपको इसका अंदर तीनों डायोड देखने को मिलेगा जो 4148 का डायोड होता है। चलिए मैं आपको उल्टा करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो डायोड देखिए 4148 का ये जो डायोड है, देखिए अब अच्छा करके यहाँ पर जो डायोड है, ये डायोड कुछ भी डायोड शॉर्ट हो जाएगा तो ठीक है, जिस लाइन का डायोड शॉर्ट हो जाएगा वही लाइन का ये जो रेजिस्टेंस है वो ओवरहीट होगा, ट्रांजिस्टर ओवरहीट होगा, कलर प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो ये डायोड आप मीटर से चेक कर सकते हो आसानी से, ठीक है। और एक जो रीजन है आपको, चलिए मैं और क्लियर कर देता हूँ। देखिए ये जो तीनों रेजिस्टेंस है, जो तीनों रेजिस्टेंस से आईसी से कलर सिग्नल आता है, ठीक है, ये जो तीनों रेजिस्टेंस है, चलिए इधर मैं घुमा के दिखाता हूँ कि ये जो पोजीशन आप अच्छा करके ध्यान दीजिए तो आपको पता चल जाएगा। देखिए ये जो तीनों रेजिस्टेंस, ठीक है, ये जो तीनों रेजिस्टेंस से जो सिग्नल आता है, जो वोल्टेज आता है, जो आपको एक बार बताया, तो ये आईसी का अलग अलग तीनों जो पिन है, कुछ भी एक पिन इसका इंटरनल मतलब आईसी का अंदर से शॉर्ट हो सकता है। आईसी का अंदर से कुछ भी एक पिन शॉर्ट हो जाएगा तो तब भी ये रेजिस्टेंस और ट्रांजिस्टर ओवरहीट होगा और कलर प्रॉब्लम होगा। इस तरह आपको चेक करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको मीटर लेके एक बार थोड़ा टेस्ट करके दिखाता हूँ। देखिए मीटर को मैं बार्जर, ये देखिए बार्जर मोड पर कनेक्शन किया, ठीक है, देखिए ये बार्जर बाज रहा है। तो आपको देखना पड़ेगा कि ये आईसी पिन शॉर्ट तो नहीं है, तो आपको किस तरह चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों तरीका बहुत सिंपल है कि देखिए ये जो मिडिल का तीनों पिन है, जो तीनों रेजिस्टेंस से आता है, आप ये मान लो नीचे रेजिस्टेंस पर आप इस तरह मीटर रखिए और इसका ऊपर ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव पर आप टच करके देखिए कितना ओम्स बता रहा है। आप अच्छा करके देख सकते हो मीटर पर, देखिए बहुत हाई ओम्स बता रहा है, ठीक है, मीटर पर नहीं आ रहा है। चलिए मैं मीटर कट को घुमा के एक बार देखता हूँ। देखिए मीटर अभी बज रहा है और इसका ये पिन से आपको ऊपर पिन देखना पड़ेगा। देखिए 1000 का ऊपर इसका रीडिंग आ रहा है, ठीक है, ये एक कैथोड पिन है, एक सॉरी कलर सिग्नल आउटपुट पिन है। और उसके बाद चलिए इसका मिडिल जो कलर सिग्नल आउटपुट, यहाँ पर देखिए 1000 का ऊपर ये रीडिंग दे रहा है। आप मीटर पर ये शो हो रहा है कि नहीं आप देखिए, मैं थोड़ा लाइट कम है। तो इसी तरह इसका मिडिल पिन पर ये नेगेटिव के साथ कनेक्शन देखिए 1000 का ऊपर रीडिंग दे रहा है। चलिए उसका ऊपर जो कलर आउटपुट सिग्नल लाइन है, यहाँ पर भी दोस्तों देखिए 1000 का ऊपर ये रीडिंग दे रहा है। मतलब इसी तरह इसका सेम तीनों पिन का अंदर सेम रीडिंग होना चाहिए। मान लो कुछ भी एक पिन का अंदर ये नेगेटिव के साथ शॉर्टिंग बता रहा है तो आपको किस तरह चेक करना पड़ेगा। तो आप ये तीनों रेजिस्टेंस को ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद डायरेक्ट या आईसी पिन पर आप टच कीजिए, ठीक है, टच करने के बाद ये नेगेटिव के साथ आप टच करके देखिए कुछ भी ओम्स बता रहा है कि नहीं और ये शॉर्ट बता रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये शॉर्ट बताएगा और तीनों पिन सेम टू सेम ही होना चाहिए। मैं तीनों पिन पर ही आपको कनेक्शन करके दिखाता हूँ, सेम टू सेम होना चाहिए, थोड़ा सा 19-20 हो सकता है, ये ओम्स है, ठीक है। तो ये शॉर्टिंग बताएगा तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये आईसी का फॉल्ट है, इसी का वजह कलर फॉल्ट हो रहा है। क्लियर हो गया। और आपको फर्स्ट टाइम बताए ये डायोड तो आप चेक कर सकते हो, ठीक है, ये डायोड शॉर्ट हो जाएगा तो तब भी कलर प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो सिर्फ कलर प्रॉब्लम नहीं, इसका अंदर कुछ भी एक पिन नेगेटिव के साथ शॉर्टिंग बताएगा तो ठीक है, फुल शॉर्ट भी हो सकता है, थोड़ा सा कम शॉर्ट भी हो सकता है। तो ज़रूर ये जो रेजिस्टेंस है ये ओवरहीट होगा, ट्रांजिस्टर भी ओवरहीट होगा। तो ये चेक करने का तरीका क्या है आपको बताया, इस तरह आप चेक कर सकते हो। नहीं तो ये देखिए ये जो बेस बोर्ड का अंदर तीनों जो पॉइंट है, ठीक है, तीनों जो पॉइंट है आप ध्यान से देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो तीनों पॉइंट है, थोड़ा लाइट डिस्टर्ब हो रहा है, तो देखिए ये जो तीनों लाइन, ये तीनों लाइन का अंदर देखिए बीच में एक एक रेजिस्टेंस देखा जाता है, ठीक है। आप अच्छा करके देखिए ये जो तीनों लाइन, सभी लाइन का अंदर एक एक रेजिस्टेंस देखा जाता है, ठीक है, कुछ भी लाइन हो सकता है। मान लो देखिए ये जो लाइन है इसका अंदर एक रेजिस्टेंस है, आप अच्छा करके देखिए ये जो रेजिस्टेंस है। चलिए मैं घुमा के दिखाता हूँ। देखिए ये डायोड का नीचे एक रेजिस्टेंस है, ये डायोड का नीचे एक रेजिस्टेंस है और तीनों लाइन का अंदर देखिए तीनों सेम नंबर का सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस देखा जाता है। ठीक है, मान लो ये जो रेजिस्टेंस कहाँ पर जा रहा है आपको देखना पड़ेगा। किस तरह देखिए ये जो कलर सिग्नल ये जो जा रहा है बीच में देखिए ये ट्रांजिस्टर पर। ठीक है, तो ये कलर सिग्नल का ट्रांजिस्टर है। मान लो ये ट्रांजिस्टर ओवरहीट हो रहा है, हो सकता है इसका सप्लाई रेजिस्टेंस ओवरहीट हो रहा है। तो आपको किस तरह चेक करना पड़ेगा? फर्स्ट आपको बात है बेस ओपन करके टेस्ट कीजिए। टेस्ट करने के बाद आपको पिक्चर ट्यूब शॉर्ट है कि इसका बेस बोर्ड का कुछ भी पिन शॉर्ट हो गया ये पता चल जाएगा। और उसका बाद मान लो तब भी हिट हो रहा है, पिक्चर ट्यूब सेक्शन ओके है, तो ये लाइन का अंदर जो सिग्नल लाइन का इनपुट का अंदर जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस को ओपन कर दीजिए। ठीक है, ये रेजिस्टेंस को ओपन करने के बाद आप सप्लाई देखिए कि ये रेजिस्टेंस ओवरहीट हो रहा है कि नहीं। जरूर दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि ये रेजिस्टेंस ओपन करने के बाद ये रेजिस्टेंस और ओवरहीट नहीं होगा। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब इसका जो इनपुट लाइन है जो सिग्नल लाइन होता है इसका अंदर जरूर कुछ शॉर्ट है। जिस तरह आपको बात है कि ये जो वायर का थ्रू ये पॉइंट पर जो कनेक्शन होता है, ठीक है, यहाँ पर जो कनेक्शन होता है इसका अंदर कुछ शॉर्ट है। तो इस तरह आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सेक्शन का फॉल्ट है। और उसका बाद आपको बताना चाहता हूँ ये जो अलग अलग ट्रांजिस्टर है कुछ भी कलर प्रॉब्लम हो सकता है। वोल्टेज चेक करने का आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कैथोड पिन का अंदर वोल्टेज गड़बड़ है। मान लो कुछ भी एक वोल्टेज डाउन हो गया, ठीक है, वो लाइन को आपको चेक करना पड़ेगा। मान लो ये पिन का वोल्टेज डाउन हो गया तो ये लाइन को आपको इस तरह चेक करना पड़ेगा। चेक करने के बाद आपको देखना पड़ेगा कि इसका अंदर ये जितना पार्ट्स है जो ट्रांजिस्टर का साथ कनेक्शन है ये ट्रांजिस्टर का बायसिंग मतलब तीनों पिन जो होता है तीनों पिन का अंदर जितना पार्ट्स कनेक्शन है, ठीक है, जितना पार्ट्स कनेक्शन है सभी पार्ट्स को आपको देखना पड़ेगा। तो ये सेक्शन को एक एक ट्रांजिस्टर जितना पिन का साथ जितना पार्ट का साथ कनेक्शन है वो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वो पार्ट्स जरूर प्रॉब्लम है। तो इसी तरह आपको एक एक करके देखना पड़ेगा। तो चलिए उसका बाद ये कलर प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा आपको बात है। और उसका बाद आपको बताना चाहता हूँ कि कभी कभी कलर आता है ओके और कभी कभी कलर चला जाता है। इसी तरह की जो फॉल्ट है ये मान लो वोल्टेज आप जिस टाइम चेक कर रहे हो उसी का टाइम वोल्टेज सब कुछ ओके है, कलर सब कुछ ओके है और टीवी का बैक कवर आप टाइप कर दिया और उसका बाद कलर डिसकलर हो गया। तो इसका रीजन क्या है दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ। पुराना पीसीबी होगा तो अधिकतर ये जो सप्लाई का रेजिस्टेंस है जो 2 वाट और 1 वाट का रेजिस्टेंस दिखा जाता है ये अधिकतर लूज कॉन्टैक्ट हो जाता है। ये रेजिस्टेंस को आपको ओपन करना पड़ेगा। ओपन करके भालो का आपको साफ सुफ करके लगाना पड़ेगा। ये एक बात है। दो नंबर बात है ये जो तीनों ट्रांजिस्टर है तीनों ट्रांजिस्टर लूज कॉन्टैक्ट भी हो सकता है, आपको ठीक से सोल्डरिंग करना पड़ेगा, नहीं तो तीनों ट्रांजिस्टर को आपको एक साथ चेंज करना पड़ेगा। ये 2 बात हो गया। और 3 बात आपको जो बताना चाहता हूँ, बहुत ब्रांडेड पीसीबी के अंदर जिस पीसीबी के अंदर अधिकतर 9 ट्रांजिस्टर देखा जाता है उसका ये जो अलग अलग फॉयल लाइन जा रहा है ये जो फॉयल लाइन जा रहा है जो ट्रांजिस्टर का साथ कनेक्शन है ये पीसीबी हीट होने का बजाय इसका अंदर यह इंटरनल शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, इंटरनल शॉर्ट मतलब ये जो फॉयल लाइन है मान लो ये फॉयल लाइन के साथ ये एक फॉयल लाइन है, हीट का बजाय ये 2 लाइन का अंदर इंटरनल फायरिंग देखा जाता है। जब इसका इंटरनल फायरिंग या आँखों पर अधिक टाइम नहीं दिखा जाता है तो उसी का रीजन से भी कलर कभी कभी ओके हो जाता है, कलर कभी फॉल्ट हो जाता है। और उसी का रीजन से आपको ये फॉयल लाइन को पूरा कट करना पड़ेगा। कट करके आपको मान लो ये फॉयल लाइन का फॉल्ट है ये पूरा लाइन को कट करना पड़ेगा और कट करने के बाद यहाँ से यहाँ तक आपको जम्पर करना पड़ेगा। इस तरह आपको रेडी करना पड़ेगा, नहीं तो आपका पास इसी तरह बेस बोर्ड है तो मार्केट के अंदर ये न्यू बेस बोर्ड आसानी से मिल जाता है, आपको इसी तरह न्यू बोर्ड लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों सभी पीसीबी अलग अलग बेस बोर्ड मिलता है, बट ये चाइना पीसीबी का ये जो 3 ट्रांजिस्टर वाला बेस बोर्ड है तो ये बेस बोर्ड आप कुछ भी टीवी के अंदर यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों इसका ऊपर मैं प्रैक्टिकल वीडियो बना के दिखाया। और ये वीडियो आपका इलाका पर ये बेस बोर्ड आपका इलाका पर नहीं मिल रहा है तो मेरा ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप फॉलो कीजिए। उसका अंदर मैं एक ऑनलाइन स्टोर बनाया तो उसका अंदर ये सब बेस बोर्ड का जो प्राइस आप देख सकते हो, आप ऑर्डर भी कर सकते हो। दोस्तों ये टोटल कलर प्रॉब्लम के बारे में आपको बात है। और उसका बाद आपको बताना चाहता हूँ, मान लो कि पिक्चर ट्यूब फॉल्ट है, ये ओपन करने के बाद इसका वोल्टेज सब कुछ हो जाता है और पिक्चर ट्यूब पर लगाने के बाद तो दोस्तों कलर डिसकलर हो जाता है और वोल्टेज भी ड्रॉप हो जाता है। तो उसका जो रीजन है पिक्चर ट्यूब फॉल्ट है, तो आपको पिक्चर ट्यूब चेंज करना पड़ेगा। बट दोस्तों मैं एक चार्जर बनाया जो चार्जर से आप वो पिक्चर कलर प्रॉब्लम आप बहुत कलर प्रॉब्लम रिपेयर कर सकते हो, बट सभी पिक्चर ट्यूब का कलर प्रॉब्लम रिपेयर नहीं होगा। तो आप ट्राई करके देख सकते हो। जिस चार्जर में बनाए वो चार्जर का लिंक आप चाहे तो बता दीजिए, मैं आपको आपका कमेंट के अंदर वो वीडियो का लिंक दे दूँगा। दोस्तों ये तो हो गया कलर प्रॉब्लम। और उसका बाद और एक जो प्रॉब्लम आता है कि ब्लैक एंड वाइट प्रॉब्लम। तो दोस्तों ब्लैक एंड वाइट प्रॉब्लम जो आता है उसका रीजन बहुत अलग है, क्योंकि ये आईसी टोटल प्रोसेस करने के बाद यह से आरजीबी तीनों कलर सिग्नल का साथ वीडियो आउटपुट देता है। और ब्लैक एंड वाइट वो जो होता है ये आईसी का अंदर जो सिस्टम है ऑटोपोल एनटीएससी इसी तरह जो सिस्टम है आप रिमोट से भी आप उसको ऑपरेट कर सकते हो। करने के बाद वो भी चेंज हो जाता है जो कलर प्रॉब्लम, और जो पीसीबी का जो पार्ट्स प्रॉब्लम से कलर प्रॉब्लम होता है। तो ये जो क्रिस्टल है आप देख सकते हो, यहाँ पर एक क्रिस्टल है। चलिए मैं आपको उल्टा करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल दो तीन टाइप के ऊपर देखा जाता है। क्रिस्टल प्रॉब्लम से भी कलर प्रॉब्लम आता है, मेनली चाइना पीसीबी के अंदर। आईसी प्रॉब्लम होने के बाद भी कलर प्रॉब्लम देखा जाता है, बोलो ब्लैक एंड वाइट प्रॉब्लम देखा जाता है, ठीक है। और आपको बताना चाहता हूँ कि ब्लैक एंड वाइट प्रॉब्लम ये इसका अंदर एक कैपेसिटर देखा जाता है, ठीक है। ये कैपेसिटर प्रॉब्लम से हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद आपको और जो बताना चाहता हूँ कि ये जो मेमोरी है, मेमोरी के अंदर बहुत कुछ डाटा स्टोर रहता है। तो इसका अंदर आरजीबी पूरा सिग्नल को आप जीरो भी कर सकते हो, कुछ भी एक कलर को आप पूरा जीरो करके रख सकते हो। उसी का रीजन से स्क्रीन का अंदर कलर प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सर्विस मोड का बारे में इसका डिटेल्स मैं बहुत अलग वीडियो बना के रखा है, सर्विस मोड डिटेल्स, उसका प्लेलिस्ट आप चेक करेगा तो वो वीडियो मिल जाएगा। बार दोस्तों कलर प्रॉब्लम आएगा तो तब भी आप ये मेमोरी न्यू लगा के भी, मतलब ब्लैंक मेमोरी लगा के भी आप टेस्ट करके देख सकते हो। इतना ही कलर प्रॉब्लम का टोटल सिस्टम आपको थोड़ा समझाने के लिए कोशिश किया। तो वीडियो के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आपको शेयर किया, आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। और ये चैनल के अंदर आप न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू दोस्तों।